जितना आपका वेट लाइट होगा रिम का उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अगर आप रिम डलवाते हैं 12 का तो ऑलमोस्ट कोई 28-29,000 के चार हो गए आपको। वेट अगर दोनों का ज़्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी 15 से 11 पे भी आ सकती है उसमें। और इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता, वो भी एल्युमिनियम के होते हैं, ये भी होते हैं। ये इसमें सबसे अच्छी बात है टेढ़े होते हैं, टूटते नहीं है, फटते नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अल गिल और आप देख रहे हैं हमारी web.com। आज मैं मौजूद हूँ ख्वाजा निसार शॉप में। ये एक टायर शॉप है और यहाँ पर रिम्स जो गाड़ी में आप देखते हैं कि आजकल तो कंपनी फिटेड भी आते हैं, लेकिन लोग बहुत सारे शौकीन हैं और वो स्पोर्ट्स रिम्स भी लगाते हैं गाड़ियों में। तो जितने लोग रिम गाड़ी में लगाने के शौकीन हैं उनके लिए आज की वीडियो है। तो हमारे साथ अवेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवेज, कैसे हैं? सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रिम जो है वो आजकल गाड़ियों में जो लगे लगाए आते हैं और जो ये हमें नज़र आ रहे हैं इतनी वैरायटी, इनमें क्या फ़र्क है? जो जापान से लगे हुए आते हैं गाड़ियों में, क्योंकि ज़्यादातर जो है जैपनीज़ गाड़ियाँ कराची में इम्पोर्ट होती हैं, उसमें बहुत कम रिम्स देते हैं, ज़्यादातर रिम्स नहीं देते। फुल अपग्रेडेड गाड़ियों में रिम्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी के रिम्स होते हैं उसमें। और इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता, वो भी एल्युमिनियम के होते हैं, ये भी होते हैं। इसमें होता है वेट का फर्क, जितना आपका वेट लाइट होगा रिम का उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अब ये स्पोर्ट्स रिम है, ठीक है, ये हम सिटी में या सिविक या किसी गाड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शौकिया तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप फैमिली यूज़ में नहीं ले सकते। मतलब ये आपने लगा लिया तो समझ लें आपने गाड़ी हफ्ते में 2 दिन ही चलाएं। बस जैसे आप स्पोर्ट्स कार बनाते हैं, आपको शौक है स्पोर्ट्स कार बनाने का, तो आपने बस ये रिम डलवा लिए लुक के लिए, तो इससे आपका एवरेज भी थोड़ा सा आउट होता है, आउट होगा। लेकिन फ़र्क ये आप क्यों कह रहे हैं कि ये फैमिली के लिए नहीं है, इसकी वेट की वजह से? इसकी वेट आपको नॉर्मली वेट इसका लाइट है, बस इसकी वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी से आपके 2 इंच बाहर निकलेगा, लोड डालेंगे तो टकराएगा, गूंज पैदा करता है टायर। ये वाला रिम जो है ये आप फैमिली पे तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं भी आप ले जाएं बेफिक्र हो। ये नॉर्मल मतलब गाड़ी में लगा के डेली यूज़ के लिए आप पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, रिम भी अच्छा है। कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी अच्छी है और ये क्वालिटी भी अच्छी है? लेकिन जब आप रिम परचेज करने जाएंगे दुकानदार के पास तो आपको एज इट इज सारी वैरायटी दिखाएगा। आपको मिसाल है ये रिम पसंद है तो आपने उसको बोला निकाल के दिखाया, जब आप निकाल के देखेंगे आप तो वेट चेक कीजिएगा, जब आप वेट उठाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे आपने ये उठाया वेट में फ़र्क हुआ, ये लाइट हुआ तो ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, ये भारी हुआ तो ये लो क्वालिटी है। इसमें साइजेस भी आते होंगे, 16 का 18 का भी आता होगा मेरे ख्याल है, 16 18 20 22 24 30 का भी आता है, 30 का भी आता है। तो सबसे छोटा रिम कौन सा आता है? 12 का। सबसे छोटा बेसिकली 10 का आता है, वो हमारे पास नहीं है। 12 का रिम जो है वो नॉर्मली अब क्योंकि मेरान वगैरह मॉडल हो गया तो सारी गाड़ी में मेरान, ऑल्टो, हाईजेट, छोटी गाड़ियां सारी ऑलमोस्ट। एक नॉर्मल डेली यूज के लिए रिम चाहिए हमें और हम चाहते हैं कि हमारी एवरेज भी ख़राब नहीं हो, तो उसकी क्या प्राइस होगी? और कोई इसमें कंपनीज भी आती हैं क्या है? रिम्स में कंपनीज ऑलमोस्ट ज़्यादा चाइना की अच्छी कंपनीज आती हैं, इसमें लो कैटेगरी के भी टायर, एक लाहौरी रिम्स ही आते हैं वो हम लोग नहीं रखते, वो बिल्कुल लो क्वालिटी के वो होते हैं। अगर आप रिम्स डलवाते हैं 12 का तो ऑलमोस्ट कोई 28-29,000 के चार हो गए आपको, क्योंकि रेट ज़्यादा हो गए हैं। एक वक्त है ये 16,000-17,000 रुपये के बेच देते हैं। अच्छा, तो ये 28,000 रुपये के 27,000 रुपये के सिर्फ रिम आएंगे, तो जो टायर पहले से गाड़ी में लगे हुए हैं वही लग जाएंगे इस पर? डिपेंड करता है, आप बोलेंगे तो लगा देंगे अगर कंडीशन अच्छी हुई तो, वरना आपको हम गाइड कर देंगे कि सर कंडीशन अच्छी नहीं, आप टायर भी चेंज करवा लेंगे। ठीक है, तो अगर 12 के हमने रिम ले लिए और 4 टायर भी ले लिए, तो टायर की आपने लास्ट कीमत बताई थी मुझे कि भाई 8,000-8,000 का एक नया टायर है, तो तकरीबन मेरे ख्याल 27,000-28,000 वो बन जाते हैं। 24,000 के तकरीबन 4 टायर पड़ते हैं चाइना के और 27-28,000 का रिम पड़ता है, तो ये तकरीबन हो गए 50,000 अबव हो गया थोड़ा। तो इससे फ्यूल एवरेज पे तो नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, अच्छा रिम होगा तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, वैसे फ्यूल एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो तकरीबन 14-15 तो देती हैं, तो वो अगर हमने भारी रिम लगा ली तो कितने पे आ जाएंगी? 12-13 पे आ सकती है, 10 पे आ सकती है। अच्छा, मतलब 3-4 किलोमीटर डिपेंड करता है, टायर और रिम का मिक्सचर जब बनता है ना दोनों का वेट होना चाहिए, वेट अगर दोनों का ज़्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी 15-11 पे भी आ सकती है। अच्छा, रिम लगाने के बाद गाड़ी की सस्पेंशन पे कितना फ़र्क पड़ता है? काफ़ी फर्क पड़ता है, अगर अच्छी क्वालिटी का रिम लेंगे तो आपका सस्पेंशन सेफ रहेगा। देखें, बात होती है बेसिकली चलाने वाले के ऊपर, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, तरीके से चलाते हैं अपनी गाड़ी को और गड्ढों में हर चीज़ में, तो आपका रिम कभी भी सस्पेंशन काम नहीं निकालता है। कराची का तो आपको पता है कहीं गटर खुला हुआ है, कहीं खड्डा है, नज़र नहीं आया, बहुत ज़ोर से गाड़ी मार दी खड्डे में, तो रिम अक्सर टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि टेढ़े होते हैं, टूटते नहीं है, फटते नहीं है। लोकल रिम जो होते हैं ना, बेसिकली लाहौर वगैरह के जो रिम होते हैं, पाकिस्तानी रिम जो होते हैं, वो गड्ढे में रखते हैं, फटते हैं। अच्छा, ये टेढ़े होते हैं। तो जब टेढ़ा हो गया रिम, तो अगर उसको मैं लेकर आया आपके पास तो सीधा हो जाएगा? डिपेंड करता है, अगर सीधा होने वाला होगा तो आपको बोलूँगा कि सीधा हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा, स्क्रैप्ट होगा, तो फिर ये हम तोल में भेज देते हैं। तोल में भेज देते हैं। व्हील बैलेंसिंग, व्हील थ्रू कुछ होता है? हाँ, हो जाता है, हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है।
माइनर सा, ऐसा नहीं हो कि पूरा रिम टेढ़ा आप बोलो सीधा करा दें, ऐसा नहीं। आप सीधा करा भी लेंगे वो गर्म होकर हीट पकड़ता है तो वो बाद में दोबारा वैसे हो जाए, वैसे ही हो जाए। वैसे कितने वेट होता है एक रिम का, कुछ अंदाजा है? 4 kg लगभग लगभग बड़े रिम का, और जो छोटे वाले का तो कम होगा, ऑलमोस्ट कम होगा, कम होगा। छोटा रिम में रख ले 3-3.5 किलो का होगा, और जो बड़ा रिम अगर आपको 16 का लेते हैं तो 4-4.5 किलो तक का या 5 किलो मैक्स, इससे अगर ऊपर वेट का आप रिम लेंगे तो वो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर हमारी web.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।